क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 32वां इतवार है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 13 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। आज के पूजन विधि के दौरान तीनों पाठों में हम लोगों को एक ही बात समझाई गई है कि हम हमेशा सतर्क रहे, अटेंशन में रहे और ईमानदारी से अपना जीवन बिताए। आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं कि बताया गया है कि हमें प्रज्ञा की खोज करनी है और उसके जरिए जो लाभ हमें मिलता है उसके बारे में बताया गया है। आज के दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ते हैं अपने अंतिम दिनों की तैयारी कैसी करनी है और प्रभु यीशु का आगमन की तैयारी करते रहनी है, इंतजार करते रहना है। आज के सुसमाचार के दौरान हम लोग यह समझते हैं कि 10 कुवारियों का दृष्टांत हम लोगों के जीवन में कैसे लागू होता है, कि किस प्रकार प्रभु यीशु कब आएंगे ये पता नहीं चलता है, परंतु जरूर प्रभु आएंगे और इसलिए हमें प्रभु यीशु का इंतजार करते रहना है, अपने जीवन में सुधार लाना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सबको अनंत जीवन का सुख भोगने के लिए बुलाते हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में हम लोगों के मुक्ति के लिए भेजा है। संत यौहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में इसका उल्लेख है। सवाल यह है कि हम ईश्वर के इस न्योते को स्वागत करते हैं? क्या हम प्रभु जब हमें बुलाते हैं एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, उस प्रकार क्या हम अपना जीवन बिताते हैं? जरा सा सोच लीजिए, अगर हमें यह बताया गया हो कि बस 2-4 दिन ही हम इस दुनिया में रहेंगे तो हमारी सोच क्या होगी? हम इन 2-4 दिनों में क्या करने लगेंगे? हो सकता है हम अपने घर वालों को सलाह देने में बिताते होंगे, हो सकता है हम लोग अपना बैंक के कागज, अपने संपत्ति के कागज ठीक करने में समय बिताते होंगे, हो सकता है हम अपना विल दोबारा लिखने में समय बिताते होंगे। यह भी हो सकता है कि हम अपने पाप में जीवन त्यागने के लिए एक अच्छा कन्फेशन करके, परम प्रसाद ग्रहण करके, मिस्सा बलिदान में भाग लेके अपने आप को तैयार भी करते होंगे। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको यह पता है कि हम लोग कब मरेंगे, शायद ही हम लोगों को पता हो। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं दूल्हा कब आएंगे उन कुवारियों को नहीं पता था, इसलिए हमें उन 5 समझदार कुवारियों के समान सतर्क रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु निश्चित है, यह तो सत्य है। इस सत्य को हम सब जानते हैं कि एक दिन हम लोग मरेंगे, फिर भी इस सत्य को हम लोग बार बार भूल जाते हैं। बार बार हम लोग सांसारिक माया मोह में गुम हो जाते हैं। जॉनी एक दिन ऐसे ही जंगल की ओर जा रहा था, शेर उसके पीछे दौड़ पड़ता है उसको खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। जॉनी को तुरंत पता चलता है कि शेर उसके पीछे दौड़ा रहा है। जॉनी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, इतनी तेजी से दौड़ता है कि सामने ही एक कुआं मिलती है। उसका लक अच्छा था कि कुएं में पानी नहीं था, जॉनी कुएं में कूद जाता है। कुएं के अंदर के बाग में
दो चार पेड़ उगे हुए थे। जॉनी एक पेड़ को पकड़ कर लटक जाता है और धीरे से नीचे देखता है, कुआं और भी गहरी थी। अगर आग छोड़ दे, नीचे गिर जाए तो जरूर मर जाता। जॉनी ऊपर देखता है, तब तक शेर वहां तक पहुंच चुका था। अगर जॉनी पेड़ को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, शेर उसको खा जाएगा। जॉनी वहीं पर उस डाली को, पेड़ को पकड़ते हुए लटकते रहता है करीब 5 मिनट। उसके बाद उसके एक हाथ के ऊपर शहद गिरने का उसको महसूस होता है। धीरे से और एक हाथ से उस शहद को वो निकाल कर छाटने लगता है, बहुत ही स्वीट हनी। धीरे धीरे वो दोबारा ऐसे ही करने लगता है, जो शहद उसके हाथ में गिराता धीरे धीरे उसे छाटने लगता है। जॉनी नीचे जो काई थी उसे भूल जाता है, ऊपर जो शेर कड़ा था उसको खाने के लिए उसे भी भूल जाता है, उसी हनी को चाटने में लगा रहता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी बार हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार का जिंदगी अपनाते हैं। हमें पता है कि हम लोग एक दिन इस दुनिया से चल बसेंगे, फिर भी अपने कामकाज में, अपने दैनिक जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं, यहां तक कि ईश्वर को भी भूल जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, समय बहुत ही कीमती है। समय रहते पापमय जीवन त्याग करके अच्छा जीवन जीना जरूरी है। इसलिए आज का पहला पाठ हम लोगों से कहता है, जो प्रज्ञा के लिए जागरण करेगा, जो प्रज्ञा के लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी मुक्ति के लिए हर बार हम लोग दूसरों का मदद पा नहीं सकते हैं। अपनी मुक्ति के लिए हर बार हम लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब समझदार कुवारियों ने अपने कुप्पियों के साथ तेल लेके आए थे और ना समझ उन कुवारियों को उन्होंने तेल नहीं दिया था, उन्हें मध्य रात्रि को दुकान जाना पड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार अपनी मुक्ति के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें जागरूक रहना है। हर रोज हम लोगों को प्रार्थना में कुछ समय बिताना है, बाइबल पढ़ना है, अच्छे कार्य करने हैं, हमारे कुप्पियों में तेल भरकर रखना है। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह के दोबारा आगमन की तिथि या समय किसी को भी पता नहीं है। इसलिए कभी कभी हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि प्रभु कब आएंगे या हमें नहीं पता है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हर रोज हमें एक अच्छा क्रिश्चियन जीवन बिताने के लिए संकल्प लें। हर रोज हम लोग कुछ समय प्रभु के बारे में जानने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए बिताए। हर रोज हम लोग पापमय जीवन त्यागने के लिए कोशिश करें। हर रोज हम लोग एक उदारता का काम करने के लिए, चैरिटी काम करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए सोचें और करें भी, तब हम लोग सचमुच एक दिन प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में विराजमान होंगे। आमीन।